जयमसी के पास जी। जी जयमसी, मेरा क्वेश्चन है पास्टर जी, दूसरा पत्रस 2:4 पे पास्टर जी। दूसरा पत्रस 2:4 जी, यहाँ पर लिखा पास्टर जी, परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे जी। तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्गदूत कौन से जो नरक में कैद है, क्योंकि पास्टर जी जो शैतान थे और उनके जो दूत थे उनको तो पृथ्वी पर गिराया गया था पास्टर जी। जी, और पास्टर जी प्रकाशित वाक्य 9 चैप्टर में जो नर्क में थी जो शैतान की दुष्ट आत्माएं है, उन्हें तो न्याय के दिन से पहले खोला जाएगा, फर्स्ट रैप्चर के बाद में पास्टर जी। जी, तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन यही है कि ये कौन से स्वर्गदूत जो न्याय के दिन तक नर्क में कैद रहेंगे जी, जो है। ओके, और आपका नाम शायद अभय है जी। पास्टर जी, वाव बहुत ताज्जुब है। चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और ऐसी कोई सेटिंग अभय आपके साथ नहीं है कि हम आपको कॉल लगा रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। नहीं, व्यूवर्स को पता होना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि अभय का लक कैसे जाता है। और अभय साहब, आप ना तो मसीह मंथन के एडमिन है, ना आप कोऑर्डिनेटर है, आप केवल व्यूअर है, राइट? हाँ, लेकिन उसके बावजूद आपका नंबर लगता है, ये अपने आप में ताज्जुब है ना। जितने दर्शक हैं, कितने हैं अभी? ओके, 400 के आसपास हैं, 8:05 में 400 लोग जुड़ गए, बेहद खुशी है। यूट्यूब फेसबुक पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहें। भाई का अभय का प्रश्न है कि जो स्वर्गदूत कैद किए गए थे पत्रस की किताब में, कौन सा चैप्टर बताया उन्होंने? ओके, दूसरा पत्र 2:4 में जिसका जिक्र अभी अभय साहब ने किया है, वो कहते हैं कि ये कौन से स्वर्गदूत है जो न्याय के दिन तक कुंड में कैद किए गए। जी अभय साहब, आप भी सुन रहे होंगे और जितने दर्शक हैं वो भी सुन लें। आपको बताता चलूं कि उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में वचन 1 से अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, तो मैं समझता हूँ, वो आपके लिए नहीं है मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ कि जब हम उत्पत्ति 6:6 जी आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस बात को भी समझें। ओके, नाउ क्या कहते हैं, लिखा है उत्पत्ति 6:1 में, जब मनुष्यों की संख्या भूमि पर बढ़ने लगी और उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुई। कौन सा ट्रांसलेशन है? बहुत शुद्ध ट्रांसलेशन है। उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुई, तब माय गुडनेस चेंज करो, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं रामायण या भगवत गीता पढ़ रहा हूं। ये हिंदी बहुत संस्कृत के आसपास में है, ठीक है ना, तो ये हिंदी नहीं चाहिए, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, सी दिस इज व्हाट, इसलिए बोला ना। ओके, इसलिए हमारी जो टीम है उसको थोड़ा कभी कभी डांटना पड़ता है ताकि काम ठीक हो जाए। ओके, वापस आते हैं, मनुष्यों की संख्या उत्पत्ति 6:1 बढ़ने लगी, उसके बाद मुझे दीजिए, उसके बाद ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, बेटे बेटियां, लिखा है बेटियां बहुत हो गई, तो जिसके चलते परमेश्वर के पुत्रों ने, ये कौन है अभय जी, आप सुन रहे होंगे, ये कौन है जी, ये कौन है? स्वर्गदूत। तो जिसको परमेश्वर के पुत्रों, या अय्यूब की पुस्तक 1:6-7 में आप पढ़ लोगे, इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं, सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे करके मैं प्रचार कर चुका हूं, डिटेल में जिसको चाहिए वो लोग देख सकते हैं। तो वो जो पतन किए हुए स्वर्गदूत हैं, प्रकाशित वाक्य 12:7-9 आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो जिसके चलते पत्रस कहता है कि उनको कैद किया गया, यह प्रकाशन किसको मिला? पत्रस को। क्यों? क्योंकि ये वही पत्रस है जो कहता है कि यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, उस यही वो पत्रस है। तो जिसके चलते प्रकाशन पत्रस को मिला और उसने इस बात को लिखा। लेकिन यूदा की किताब 1:5-7 भी पढ़ेंगे चलेगा, लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को बंदी बना के रखा है, तो उसका भी जिक्र वहां पर होता है। तो अभय जी, ये वही स्वर्गदूत हैं जो पतन किए गए थे, जिनके वजह से मनुष्यों की पुत्रियों के साथ जब विवाह हुआ तो उसे दानव पैदा हुए,
आपको पता होगा इसका मैंने प्रचार किया। तो ये वो स्वर्गदूत है जब परमेश्वर उनको न्याय किया और पूरी पृथ्वी पानी के द्वारा तबाह की गई, तो उस वक्त से अब तक और जब तक यीशु न्याय नहीं करता तब तक, तो ये कैद में, तो ये वो स्वर्गदूत है जो पतन किए हैं और उत्पत्ति के छह में, अय्यूब सॉरी अभय साहब, ये वो स्वर्गदूत है। ओके जी पास्टर, जी पास्टर जी थैंक यू। और पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने ये प्रोग्राम चलाया है पास्टर जी, जी इससे हम बहुत आशीषित हुए हैं पास्टर जी, और पास्टर जी इससे हमारी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बाइबल में बढ़ रहा था कि हम वचन को पढ़ें, जो क्वेश्चन हमसे जो क्वेश्चन निकले हो आपसे क्लियर कर सके। थैंक यू अभय, थैंक यू अभय, गॉड ब्लेस यू। और अभय